मैम अच्छी चल रही है, चलो बहुत बढ़िया। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स आज हम बायोलॉजी क्लास 10 चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस में कंटिन्यू करेंगे अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा गया फोटोसिंथेसिस। तो एज यू एंड आई नो दैट फोटोसिंथेसिस इज द मोस्ट मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, हाँ, आई वॉज बीइंग म्यूटेड देन। ऑलराइट, आई शैल देन रिपीट इट हियर वंस अगेन। आप और हम दोनों लोग जानते हैं जिस प्रोसेस को हमने अपनी पिछली क्लास में शुरू किया था वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस सनलाइट की मदद से होने वाला एक ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो पृथ्वी पर लाइफ के लिए एसेंशियल है। इट इज एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। फोटोसिंथेसिस का मैक्सिमम हिस्सा एक्वाटिक प्लांट्स यानी पानी में रहने वाले प्लांट्स के द्वारा होता है, राइट? तो 90% एक्वाटिक प्लांट्स करते हैं। ट्रू, फर्स्ट ट्रू फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिजम्स। जब हम बात करते हैं कि लाइफ की जो उत्पत्ति हुई वो कहाँ हुई, तो लाइफ की उत्पत्ति समंदर में हुई थी। लेकिन लाइफ की उत्पत्ति समंदर में होने के बावजूद भी, लाइफ की उत्पत्ति समंदर में होने के बावजूद भी, फूड बनने के बावजूद भी ऑक्सीजन नहीं बनता था, या मैं ऐसे कहूं कि जो फूड बनता था वो नॉन ऑक्सीजेनिक प्रोसेस से बनता था। तो पहला ट्रू ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक प्रोसेस देखा गया ब्लू ग्रीन एल्गे या सियानोबैक्टीरिया, राइट? सियानोबैक्टीरिया आर द ऑर्गेनिजम्स विच बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में मौजूद ये सियानोबैक्टीरिया सिंगल सेल्ड होते हैं और इनके पास में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होती है, राइट? तो ये बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने पहली बार ऑक्सीजन बनानी शुरू की, राइट? लेट्स कम ऑन टू नेक्स्ट थिंग। ज्यादातर प्लांट्स जिनको हम अपने आसपास देखते हैं वो फोटोसिंथेटिक हैं, यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं, पर कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे डॉडर प्लांट। डॉडर प्लांट के बारे में मैंने आपको पिछली बार बताया था ना कि कई बार आप देखते हो ट्रीज के ऊपर ऐसे पीले कलर की लटक रही होती हैं, ऐसा लगता है जैसे कि चाउमीन या नूडल्स जो होते हैं नूडल्स की तरह लटकती हुई होती हैं ये, इनपे कोई पत्तियां नहीं होती। तो डॉडर एक ऐसा प्लांट है जो कि नॉन ग्रीन है, नॉन फोटोसिंथेटिक है और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। इसका बोटानिकल नेम है कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा। तो कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा नाम का ये पौधा पूरी तरह से क्या है, पैरासिटिक है। इसके अलावा हम आते हैं दूसरे पर, युगलीना पर। युगलीना एक कनेक्टिंग लिंक है, यानी कि हमने जो अभी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लक्ष्य जैन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? लक्ष्य जैन, हेलो हाँ बेटा, मैम, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं सेल्फ, और यस मैम, हेटरोट्रॉफिक का मतलब होता है जो डिपेंड करते हैं। एंड दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड। यस, तो युगलीना जो है वो मिक्सचर दिखाता है ऑटोट्रॉफिक भी और हेटरोट्रॉफिक भी। मतलब कि युगलीना, जब युगलीना को आप सनलाइट देंगे तो सनलाइट देते वक्त वो फोटोसिंथेसिस शो करेगा और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा, पर जब सनलाइट नहीं होगी तो वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा और प्रीडेशन यानी शिकार करने लगेगा, ठीक है? तो युगलीना एक बहुत ही कमाल का ऑर्गेनिज्म है क्योंकि ये मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है, और इसे हम रखते हैं, किसमें रखते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा। इट बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा, राइट? रूट्स ऑफ, वैसे ज्यादातर रूट्स जो होती हैं वो नॉन फोटोसिंथेटिक होती है,
रूट्स होती हैं जमीन के अंदर और उनमें क्लोरोफिल की कमी होती है, लेकिन कुछ रूट्स जैसे टीनोस्पोरा गिलोय, टीनियोफिलम रिबन रूट्स, ट्रेपा सिंघाड़ा, खाए आप लोग कभी सिंघाड़ा? तालाब वगैरह में होता है। इनकी रूट्स कैसी होती है बच्चों? इनकी रूट्स अमेजिंगली फोटोसिंथेटिक होती है। ज्यादातर रूट्स नॉन फोटोसिंथेटिक होती है, पर इनकी रूट्स कैसी है? फोटोसिंथेटिक। ऐसे ही इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी आएंगे। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन वो ऐसी सॉइल में होते हैं जो कि डेफिशिएंट होती है नाइट्रोजन में। तो ये जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वो क्या करते हैं? एनिमल्स का या इंसेक्ट्स का शिकार करते हैं। दे फीड ऑन इंसेक्ट, फिर वो इंसेक्ट्स की बॉडी को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन में, और इस तरह से अपने शरीर में होने वाली नाइट्रोजन की कमी को वो दूर कर लेते हैं। क्या हम क्लियर है इतनी बात से? यस मैम। एकदम? यस मैम। आगे बढ़ जाए? यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हां जी बेटा। प्लीज एक्सप्लेन अगेन। या प्लीज एक्सप्लेन अगेन। व्हिच पार्ट? मैम द लास्ट पार्ट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट देन रूट्स। रूट्स की जब हम बात करते हैं ना, तो रूट्स को हम कैसे जानते हैं? ज्यादातर रूट्स जो होती हैं वो नॉन फोटोसिंथेटिक होती है। क्यों? जमीन के अंदर होती है। रूट्स का जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो एंकरेज वाटर एब्जॉर्प्शन के काम आता है, तो ये मुख्य काम है रूट का। जबकि खाना बनाने का काम ज्यादातर स्टेम और पत्तियों का होता है ना, ऐसी बात। लेकिन कई पौधों में ये फंक्शन बदल जाता है, जैसे टीनोस्पोरा गिलोय, टीनियोफिलियम रिबन रूट्स, ट्रेपा, इनमें फोटोसिंथेटिक रूट्स होती हैं और फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं। एक दूसरा और हम जो यहाँ पर देखेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की बात करते हैं, जो इंसेक्ट्स खाते हैं। ठीक है, ये इंसेक्ट्स खाने वाले प्लांट्स में आ जाते हैं नाम, जैसे ब्लैडरवर्ट, नेपेंथीस, यूट्रिकुलेरिया। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आम प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, अपना खाना खुद ही बनाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की कमी होती है जिस सॉइल में वो उगते हैं। यानी कि वो जो सॉइल होती है वो थोड़ी बंजर होती है, अच्छी फर्टाइल सॉइल में नहीं उगते हैं। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट्स खाते हैं, और इंसेक्ट्स की बॉडी जिस प्रोटीन की बनी होती है उसे कन्वर्ट कर लेते हैं नाइट्रोजन। तो इस तरह से जो नाइट्रोजन की कमी उनके शरीर में होती है उसे वो पूरा कर पाते हैं। अभी क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक, सो अब हम बिल्कुल प्रॉपरली वी आर कमिंग ऑन टू दिस दैट इज नोन एज द प्लान ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आज मैं पहले आप लोगों को बताती हूँ कि फोटोसिंथेसिस जो है उसको अगर हम पूरी तरह से पढ़े तो हम इस प्लान ऑफ फोटोसिंथेसिस को दो मुख्य प्रोसेसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। एक है लाइट और दूसरा है डार्क। लाइट फेज है, डार्क फेज है। लाइट फेज का मतलब है कि प्रेजेंस ऑफ लाइट, डार्क फेज का मतलब है एब्सेंस ऑफ लाइट। इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं कि लाइट फेज का मतलब है विच इज डिपेंडेंट ऑन लाइट, और डार्क फेज का मतलब है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। मतलब कि लाइट रिएक्शन, वंशिका चौहान, कैन यू हियर मी वंशिका चौहान? यस मैम। वंशिका चौहान, अगर लाइट फेज में लाइट ना दे तो क्या हो पाएगा रिएक्शन? नो मैम, नो मैम। ऐसे डार्क फेज में अगर लाइट दे तो क्या हो पाएगा रिएक्शन? नो मैम। यस, हो पाएगा। डार्क फेज में लाइट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो डार्क फेज इट इज मतलब कि इसमें लाइट की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लाइट के होने से ये नहीं होगा। ठीक है वंशिका, क्लियर है बात? यस मैम। तो लाइट फेज जो है उसको हम दो पार्ट्स में, दो कैटेगरीज में बांटते हैं। ए इज फोटो फिजिकल फेज, बी इज फोटो केमिकल फेज। फोटोफिजिकल फेज का क्या मतलब? फोटोसिंथेसिस का मतलब है सनलाइट की मदद से सिंथेसिस करना फूड का। अब सनलाइट को ट्रैप कौन करता है? रायला, हु ट्रैप सनलाइट? मैम क्लोरोफिल। ओके फाइन, तो कृतिका क्लोरोफिल क्या है? रायला ने कहा क्लोरोफिल ट्रैप करता है सनलाइट को, तो क्लोरोफिल है क्या?
Raila, what is chlorophyll? Ma'am, it is a green pigment. Okay, it is a green pigment, or can we say it like this is the photosynthetic pigment? कह सकते हैं? Yes, ma'am. It is the photosynthetic pigment. अच्छा, इसका ये जो chlorophyll है, it has a very important role. तो यहाँ पर जब हम photophysical phase की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं कि ये जो chlorophyll था, ये अगर है पौधा, ये पौधे की पत्ती, ये पत्ती में मौजूद सेल और ये सेल में मौजूद क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरह के सिक्कों के ढेर होते हैं और इन सिक्कों के ढेर की वॉल्स में मौजूद होते हैं छोटे छोटे कण पिगमेंट्स क्लोरोफिल के, है ना। तो ये क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट क्या कर रहे हैं, दे आर ट्रैपिंग सनलाइट, and when they trap sunlight then it causes excitation, right? Chlorophyll gets excited, and when it gets excited it led to the expulsion of electron from them, right? yani ki agar aapko koi energy de to energy milne par kya ho jayenge aap excited, main se aise kahu, maan lijiye azad ke 100 mein se 100 marks aa gaye, hal azad Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are ready to get 100 marks out of 100 in science? Yes, ma'am. All right. So let's say that Azad got 100 out of 100. So agar tere ko 100 out of 100 milenge to koodne lagega? Nahi ma'am, koodenge to nahi, magar kuch acha. To fir tumko nahi de rahe. Agar tum excited nahi hoge to hum tumko nahi de rahe. Excited honge aur cool honge, bachche nahi hai. Matlab yahi hai, excited ho jaoge. Kyun? Kyunki tumhe extra energy mili hai. Ye information sunke tum khush hue ho. और वो खुशी जो है एक्साइटमेंट के रूप में, इलेक्ट्रॉन के रूप में बाहर निकल गई है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही क्लोरोफिल को सनलाइट मिला है और सनलाइट की जो एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी है, जब इसके ऊपर गिरती है तो वो एनर्जी एक्सेप्ट करके, ट्रैप करके, इट गेट्स एक्साइटेड टू नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल, राइट? सो इट गेट्स एक्साइटेड एंड इट इज एक्सपेलिंग इट्स एनर्जी। तो इस तरह से ये जो सनलाइट है इसकी एनर्जी को ट्रैप करके क्लोरोफिल किस में बदल देता है, केमिकल एनर्जी। तो इस तरह से sunlight which is trapped by chlorophyll gets converted into chemical energy by chlorophyll, right? Yes, hello everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right, yes, ma'am. So photophysical phase mein chlorophyll gets excited. Now wo jo energy usko mila, उस एनर्जी से उसने क्या करा, उसने उस एनर्जी की मदद से करा फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी लाइट की मदद से वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ दिया और ऑक्सीजन उसमें से बाहर निकल गया। यानी ऑक्सीजन कहां से निकला, वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं निकला। ये बात को ध्यान रखिए, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस comes out from water rather than carbon dioxide. Clear है? Yes ma'am. Yes ma'am. अब क्या होता है? Yes ma'am. इसके बाद क्या होता है? Electron transport होता है और production होता है assimilatory powers का। दो तरह के assimilatory power बनेगी, NADPH2 और ATP। तो यहाँ पर light reaction में ये जो assimilatory power बनी है, दोनों चीजें बनी है, इन दोनों का यूटिलाइजेशन होता है डार्क रिएक्शन, यानी डार्क रिएक्शन में खर्च करने के लिए लाइट रिएक्शन में इन दोनों को कमाया जाता है, बनाया जाता है। क्लियर हो गई बात? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। सो लेट अस प्रोसीड नाउ विद द डार्क रिएक्शंस। डार्क रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्शन हो रही है इन दी, या रिएक्शन इज independent of light, so it may take place in the presence of light or absence of light, no matter, it will take place, right? In most plants, ज़्यादातर जो पौधे हमारे आसपास हैं, उनमें dark reaction होती है, right? और इस reaction को हम कहते हैं Calvin cycle, C3 cycle, या मैं ऐसे कहूँ, मैं आसान शब्दों में कहती हूँ, light reaction में क्या-क्या बना? लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन इवॉल्व हुई, हाँ, लाइट रिएक्शन में एसिमिलेटरी पावर बनी,
हाँ, ये तीन चीजें तो बन गई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं बनी. क्या बनना चाहिए फोटोसिंथेसिस में, क्या चीज बननी चाहिए आदर्श? फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? किसके लिए फोटोसिंथेसिस करता है पौधा? ऑक्सीजन के लिए करता है क्या? मैम ग्लूकोज के लिए. ग्लूकोज के लिए. तो ग्लूकोज बन गया आदर्श? अभी नहीं. अभी नहीं बना. तो ये ग्लूकोज कहां बनेगा? डार्क रिएक्शन. ठीक है, तो ये ग्लूकोज बनता है केल्विन साइकिल या C3 साइकिल में. ठीक है, तो अब जो है ये जो एसिमिलेटरी पावर्स हैं, ये एंटर कर जाएंगी केल्विन साइकिल. केल्विन साइकिल जो होती है ज्यादातर डाइकॉट्स में होती है, मोनोकॉट्स में कम होती है. केल्विन साइकिल को C3 साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अ 3-carbon कंपाउंड, इज अ 3-carbon कंपाउंड, दैट इज 3-PGA. 3-PGA, 3-phosphoglyceric acid. ठीक है, ठीक है. However, कुछ प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, C3 की जगह C4 पाथवे फॉलो होता है. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि C3 का मतलब है पहला प्रोडक्ट 3-carbon है, तो अगर मैं कह रही हूँ C4 तो पहला प्रोडक्ट कैसे कितने कार्बन का बना होगा? हाँ, कौन बताएगा? M4. वेरी गुड. पहला प्रोडक्ट होगा 4-carbon का बना हुआ, राइट? तो यहाँ पर पहला प्रोडक्ट होता है 4-carbon का बना हुआ. ज्यादातर मोनोकॉट्स जो होते हैं उनमें ये साइकिल होती है, जैसे मेज, राई, बार्ले, पॉल मिलेट वगैरह. और कुछ डाइकॉट जैसे चेनोपोडियम है, बथुआ, अमरेंथस है, चोलाई. खाए चोलाई, चोलाई के लड्डू? यस मैम. बथुआ खाया है? सर्दियों में बथुआ आता है ग्रीन कलर का. यस मैम. यस मैम. ये जो वीड्स हैं, ये डाइकॉट्स हैं एंड दे शो द प्रोसेस ऑफ C4. ठीक है, तो इस तरह से हमने प्लान ऑफ फोटोसिंथेसिस समझ लिया. तो अब हम जब फोटोसिंथेसिस के बारे में फर्दर पढ़ेंगे तो हम आसानी से समझ पाएंगे सारे रिएक्शंस. तो अब आ जाती हूँ मैं बहुत ही बेसिक चीजों पर. पहले, सबसे पहले हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में सबसे बड़ा रोल किसका है. तो मेरे ख्याल से इसके लिए हमें यहाँ पर कहने की जरूरत नहीं है. ऑलरेडी रिटन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस होता कहाँ. तो बेटा फोटोसिंथेसिस, वंशिका चौहान, फोटोसिंथेसिस किन में होता है, कौन से ऑर्गेनिजम्स में होता है बेटा? वंशिका मैम, मैं अटल. हाँ बताइए बेटा. मैम प्लांट्स. कौन से? ग्रीन प्लांट्स में होता है. ग्रीन प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में होता है. और वो पार्ट्स ग्रीन क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है. तो अगर मैंने एक पौधा बनाया तो पौधे में पत्तियां हरी हैं, और पत्तियां हरी क्यों हैं? क्योंकि ये जो पत्तियां हैं इनमें जो प्लांट सेल है उसके अंदर ढेर सारे क्या है बेटा? क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, तो यहाँ पहले हम क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम डिस्कस करेंगे. क्लोरोप्लास्ट इज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? जैसे मैं एक लीफ है, उस लीफ का एक क्रॉस सेक्शन बनाऊं, तो हम देखेंगे कि लीफ की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है जिसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, ऐसे ही लोअर लेयर रेड से बना रही हूं मैं, अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो कुछ भी लीफ में फिल्ड है उसे हम कहते हैं मीजोफिल ऑफ लीफ. क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. एपिडर्मिस का काम होता है प्रोटेक्शन. मीजोफिल का क्या काम होता है? ये पूरा मीजोफिल है. तो ये मीजोफिल का क्या काम है? फोटोसिंथेसिस करता है. अब ये जो मीजोफिल में सेल्स हैं, इनमें है क्लोरोप्लास्ट जिसकी अब हम बात करेंगे. इतनी बात समझ में आ गई क्लोरोप्लास्ट तक कैसे पहुंची हमारी यात्रा?
Yes, ma'am. तो अगर आपकी क्लोरोप्लास्ट तक की यात्रा मंगलमय रही तो क्लोरोप्लास्ट भी मंगलमय रहेगा, ठीक है? तो क्लोरोप्लास्ट पे आते हैं. क्लोरोप्लास्ट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली है जो कि केवल प्लांट्स में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है. कहने का मतलब ये, तो ये प्लांट सेल्स में पाया जाने वाला सेल ऑर्गेनली इतना स्पेशल क्यों? इतना स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल मौजूद होता है, और ये क्लोरोफिल है जो ट्रैप करके सनलाइट को कन्वर्ट कर देता है किसमें? केमिकल एनर्जी में, है ना बेटा? तो हमें जैसे बैटरी को चार्ज करना होता है, बैटरी को चार्ज करना होता है तो हम क्या करते हैं? बैटरी को चार्ज करने के लिए उस पर लगा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन से लगा देते हैं, वो चार्ज हो जाता है. तो हमारी बैटरी कौन है? सन. तो सन दे रहा है अपनी सोलर एनर्जी, और वो सेल सोलर एनर्जी केमिकल फॉर्म में बदल जा रही है. पर कौन कर रहा है ये काम? ये काम कर रहे हैं क्लोरोफिल. और ये कहाँ मौजूद है? ये मौजूद है ग्रीन प्लांट्स के, ग्रीन पार्ट्स के हर सेल में. ठीक है? ठीक है. हेलो. यस मैम. यस मैम. क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, यानी दो मेम्ब्रेन्स है. पहली बात, डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है. तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इट इज अ डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का डीएनए होता है. ये देख रहे हैं आप, इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है. खुद का डीएनए होने की वजह से इट इज अ सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनली, यानी कि ये पूरी तरह से न्यूक्लियस पर निर्भर नहीं करता है. राइट. ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली है. आपको याद है क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन बहुत आता था कि वाई क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली, याद है? Yes, ma'am. Because they have their own DNA. अब आगे बढ़ाते हैं. तो इनर और आउटर मेम्ब्रेन. अब काम की बात करते हैं. काम की बात क्या है? काम की बात ये है कि यहाँ क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो पूरी कैविटी है, इसमें हम देख रहे हैं सिक्कों के ढेर. तो ये एक सिंगल सिक्का कहलाता है थाइलाकोइड. एक सिंगल सिक्का क्या कहलाता है बच्चों? थाइलाकोइड. और ऐसे कई सारे थाइलाकोइड मिलके क्या बनाते हैं? ग्रेनम. ये देख रहे हैं आप, ग्रेनम. ठीक है? तो व्हेन मेनी ऑफ दीस थाइलाकोइड्स दे पाइल टुगेदर लाइक अ पाइल ऑफ कॉइंस, देन दे फॉर्म ग्रेनम. ये जो थाइलाकोइड्स होते हैं, इनकी वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल नाम के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. राइट. हम जानते हैं कि ये क्लोरोफिल नाम के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या करते हैं? दे हेल्प इन द ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट. राइट. तो इस तरह से क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो क्लोरोप्लास्ट का लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? हाँ, कौन बताएगा? मेटल. हाँ बताइए बेटा. ग्रेना. ग्रेना. ग्रेना कह सकते हैं, या स्ट्रोमा लैमिला कह सकते हैं, या थाइलाकोइड कह सकते हैं. ठीक है? ठीक है. अब बात करते हैं ये जो नीचे की इसकी सरफेस दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है, जो ये फ्लूइड मैट्रिक्स है यहाँ पर, ये सारी की सारी, ये फ्लूइड मैट्रिक्स कहलाती है. क्या कहलाती है? स्ट्रोमा. क्या कहलाती है? स्ट्रोमा. स्ट्रोमा. तो स्ट्रोमा इज द प्लेस वेयर डार्क रिएक्शन अकर्स, यानी फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अकर, व्हाइल ग्रेना इज द प्लेस वेयर लाइट रिएक्शन अकर्स. आर वी क्लियर विद दिस मच? यस मैम. एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है सबको? लेट्स गो फॉर अनदर डायग्राम. एक ध्यान में डायग्राम पे जाते हैं हम. क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर मेरे साथ ड्रॉ करेंगे इसी तरह का. ठीक है? ऑल ऑफ यू स्टार्ट ड्रॉइंग अ स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के लिए आप क्या करिए, इस तरह के आप फ्लैटन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, दो मेम्ब्रेन्स ड्रॉ कीजिए. आप सब लोग मेरे साथ ड्रॉ करेंगे और क्लास के बाद मुझे व्हाट्सएप करेंगे अपने ग्रुप पर अपने डायग्राम्स को, इसलिए ईमानदारी से ड्रॉ कर लीजिए. राइट. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर से यहां बनाएंगे एक थाइलाकोइड और कई सारे थाइलाकोइड्स का पाइल, यानी ग्रेनम. आप यहां देख रहे हैं कई सारे
थाइलेकोइड जो थाइलेकोइड का हम क्या बना रहे हैं पाइल ग्रेनम. ऐसे हमने तीन चार ग्रेनम बना लिए और ग्रेनम के बीच में दिखा दिए मिडिल लैमेला. ठीक है, अब यहां पर हम एक चीज दिखाएंगे जिसे दूसरे कलर से दिखाएंगे. जैसे हम रेड कलर यूज कर रहे हैं, रेड कलर यूज कर रहे हैं हम क्लोरोफिल के लिए. किसके लिए यूज कर रहे हैं रेड कलर? क्लोरोफिल पिगमेंट के लिए. राइट? ऑलराइट, यस मैम. लेट्स कम ऑन टू डीएनए ऑफ क्लोरोप्लास्ट. दिस इज डीएनए ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सी डीएनए कह सकते हैं हम इसे, सी डीएनए, दैट इज क्लोरोप्लास्ट डीएनए. राइट, ऐसे क्लोरोप्लास्ट के पास बैक्टीरिया की तरह अपने राइबोसोम्स भी होते हैं, राइबोसोम्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट. राइट, और ये जो इन्होंने ब्लू कलर से बनाए हैं, ये ब्लू कलर से बनाए हैं इसके स्ट्रोमा को. आई होप आसानी से बन जाएगा आप लोगों का डायग्राम. बन रहा है? यस मैम, बन रहा है. तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था स्ट्रोमा के बारे में, अब हम अगर थायलाकोइड को थोड़ा सा बाहर ले आए और डिटेल बनाएं, है ना, तो एक थायलाकोइड को हम बाहर लाके डिटेल में बनाते हैं. तो ये रहा हमारा थायलाकोइड, और ये जो थायलाकोइड है इसमें हम देखते हैं इसकी बहुत सारी फंक्शनल यूनिट्स प्रेजेंट हैं एक साथ, ब्लैक कलर से बना देंगे, जिन्हें हम कहते हैं क्वांटोसोम्स. क्वांटोसोम्स जो है, एक एक क्वांटोसोम जो होता है उसमें 200 से 250 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं. आप ये देख रहे हैं, तो एक क्वांटोसोम इसमें से निकाल के मैं बाहर दिखा देती हूँ. तो ये एक क्वांटोसोम, ठीक है, एक क्वांटोसोम में अलग अलग तरीके के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट है. ठीक है, जैसे सबसे अंदर की तरफ है क्लोरोफिल, 230 से 250 क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, ये रिएक्शन सेंटर कहलाता है. उसके बाद रेड कलर की लेयर से बनाए हैं, थोड़ा सा मेरून कलर की लेयर से बनाए हैं कैरोटीन, ये एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो सन की लाइट एब्जॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर अंदर दे देंगे. राइट, और सबसे बाहर की तरफ ब्लू कलर से बनाया है, क्या बनाया है बेटा सबसे बाहर की तरफ? ज़ेंथोफिल. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि तीन तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट हैं हमारे क्वांटोसोम्स में, और ये तीन तरह के बाहर से शुरू करें तो ये जो ब्लू वाले हैं ये हैं ज़ेंथोफिल, रेड वाले जो ये अंदर हैं ये हैं कैरोटीन, और ज़ेंथोफिल और कैरोटीन दोनों आते हैं एक ही कैटेगरी में, इन्हें कहते हैं कैरोटीनॉइड्स. कैरोटीनॉइड्स एक्चुअली क्या है? दीज आर एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो कि क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके बीच में रिएक्शन सेंटर को दे देते हैं. बात समझ में आई या नहीं आई समझ में? यस मैम. आई बात समझ में अच्छी तरह से? यस मैम. ठीक है, तो यहां हम देख रहे हैं कि हर प्लांट, दीज आर द ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ये ग्रीन कलर्ड पार्ट में पाए जाते हैं. तो हर सेल में, हर प्लांट सेल में लगभग 40 से 50 और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और प्रति स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ लीफ सरफेस में लगभग 40 से 50,000 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं. ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट मिलकर क्या कर रहे हैं? ये क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं क्या? क्वांटोसोम्स. और ये क्वांटोसोम्स क्या करते हैं? ये सन की लाइट को ट्रैप करते हैं और रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाते हैं. राइट, तो क्वांटोसोम्स जो हैं, दीज आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, व्हाइल थैलेकोइड्स आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्या हम समझे इस बात को? यस मैम. आ गई बात समझ अच्छे से एकदम? यस मैम. यस मैम. ठीक है, आगे बढ़ जाओ. Let's come on to the next slide. I hope that आप लोगों ने draw कर लिया होगा diagram. Class के बाद आप मेरे को भेजेंगे. Draw कर लिया सबने? Yes ma'am. Yes ma'am. तो अब थोड़ा सा chloroplast के बारे में पढ़ लेते हैं. Yes ma'am.
क्लोरोप्लास्ट क्या है? दीज आर माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, नॉट इन द एनिमल्स. ये डबल मेम्ब्रेनियस होते हैं, इनकी मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीनेशियस मतलब लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है. इनकी मेम्ब्रेन होती है सेलेक्टिवली परमिएबल और इनकी आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है जिसे कहते हैं हम पेरीप्लास्टिडियल स्पेस. पेरीप्लास्टिडियल स्पेस स्ट्रोमा इनकी मैट्रिक्स होती है जो कलरलेस मैटर से लिविंग मैटर से भरी हुई होती है. थायलाकॉइड्स फ्लैटेंड मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरह के जो एक सिक्के के ढेर की तरह एक के ऊपर एक लगे होते हैं और इन्हें हम कहते हैं ग्रेना. क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. एकदम क्लियर हो कि नहीं? Yes, ma'am. अब थोड़ा सा क्लोरोफिल के बारे में देख लेते हैं. क्लोरोफिल क्लोरोफिल इज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट विच इज फाउंड इन द वॉल्स ऑफ थायलाकॉइड. जैसे कि मैंने आपको बताया था ये बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है और लगभग 5 फॉर्म्स में मिलता है, लेकिन सबसे अबंडेंट फॉर्म जिन्हें हम ज्यादातर पौधों में देखते हैं वो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी. दे आर एसोसिएटेड विद थायलाकॉइड मेम्ब्रेन, यानी कहां पाए जाते हैं वो? इन द वॉल ऑफ थायलाकॉइड्स, जैसे कि मैंने मेंशन किया. अबाउट 250 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल फॉर्म 1 क्वांटोसोम. ये भी अभी आपको दिखाया था मैंने, विच इज एबल टू ट्रैप 1 क्वांटम ऑफ एनर्जी या 1 क्वांटम ऑफ सनलाइट. ठीक है, एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. तो अब ये बताइए इतने में, इतने पार्ट में कहीं कोई दिक्कत? नो मैम. और क्लियर है? नो मैम. क्लियर है? यस मैम. यस मैम. तो कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है? प्लांट में पार्ट में अक्सर मैं सुनती हूँ मैम दिक्कत लग रही है. नो मैम. अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन की तरह एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है. जैसे रेस्पिरेशन एक लंबा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस भी सिंगल स्टेप में नहीं होता. इट इन्वॉल्व्स मेनी स्टेप्स जिन्हें हम लाइट और डार्क रिएक्शन में बांट देते हैं. तो यहाँ पर हमने ये आउटलाइन बनाई है, ये आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है फोटोसिंथेसिस. दो जगह हो रहा है, एक तो हो रही है लाइट रिएक्शन नंबर वन और दूसरी हो रही है डार्क रिएक्शन. कहाँ हो रही है डार्क रिएक्शन बताओ? डार्क रिएक्शन कहाँ होगी? स्ट्रोमा में होगी. वेरी गुड. तो डार्क रिएक्शन होगी स्ट्रोमा में और लाइट रिएक्शन होगी किसमें? ग्रेना वन. ठीक है, अब यहां देखते हैं लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है. सन की लाइट जो है व्हेन इट इज फॉलिंग ऑन द थायलाकॉइड देन इट इज बीइंग ट्रैप. जब ये ट्रैप हो रही है तो यहां देखिए ट्रैप होने के बाद में लाइट रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन निकल रहा है. Yes, ma'am. बना नंबर वन प्रोडक्ट ऑक्सीजन, दूसरा ATP बन गया, तीसरा NADPH भी बन गया. इसे यूज कर लिया गया किसमें? डार्क रिएक्शन में. किसमें? डार्क रिएक्शन में. केल्विन साइकिल अकर हुई, CO2 ATP NADPH की मदद से क्या क्या बन गया? शुगर बन गई. तो शुगर भी बन गई, ऑक्सीजन भी बन गई. ये तो दोनों प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब दीज आर द टू मेन प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. हाँ है ना? Yes, ma'am. अगर मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लिखूं बच्चों फोटोसिंथेसिस की, तो मैं क्या लिखूंगी? 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll will form C6H12O6 along with H2O, right? राइट. तो ये 12 में से 6 वाटर के मॉलिक्यूल इसी से निकल आते हैं. बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो है, मेन प्रोडक्ट है ग्लूकोज और साइड प्रोडक्ट है ऑक्सीजन. ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में इसकी बात करते हैं. ये क्लियर हो गई सारी बात बच्चों? यस मैम. यस मैम. किसी को दिक्कत है तो मेरे को पूछते जाएगा साथ में. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं लाइट रिएक्शन की, स्टेप वाइज प्रोसेस. फाइन. लाइट रिएक्शन जैसे कि हम पीछे भी बात कर चुके हैं, लाइट रिएक्शन कहाँ होता है ये बहुत पूछा जाता है. लाइट रिएक्शन इट अकर्स इन थायलाकॉइड, ग्रेना, स्ट्रोमा, लैमेला. यहाँ इन सब जगहों में लाइट रिएक्शन हो रहा है क्योंकि इन सब जगहों में क्लोरोफिल है. स्टेप वन, एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल होता है. सबसे पहले क्लोरोफिल गेट्स एक्साइटेड सनलाइट के द्वारा.
एक्सपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्लोरोफिल गेट्स एक्साइटेड एंड इलेक्ट्रॉन एक्सपेल्ड आउट. स्टेप टू, ये जो इलेक्ट्रॉन है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन था, इसकी हाई एनर्जी से फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो गया, और ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर का रिजल्ट क्या हुआ कि वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक कर गया एच आयन और ओ एच आयन. ठीक है, ये ओ एच आयन जो है, ये ओ एच आयन ही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ऑक्सीजन. ठीक है, तो स्टेप थ्री में क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फॉर्म होगी फ्रॉम ओ एच आयन, यानी ओ एच आयन एक्चुअली आया है वॉटर से, और वॉटर से ही मतलब बना है ऑक्सीजन, तो वॉटर का ही प्रोडक्ट है ऑक्सीजन. ठीक है, क्लियर है? यस मैम. ओके, इसके बाद स्टेप फोर है. स्टेप फोर को लिखेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन. देयर इज अ मिस्टेक बाय मी इन द स्पेलिंग, दिस इज जस्ट फोटोफॉस्फोराइलेशन. इट इज क्या हुआ, लेट्स नॉट क्लिक, जस्ट अ मिनट बच्चो. हाँ, मेरा स्लाइड कहीं चला गया, जस्ट अ मिनट, मैं आपको ऐसे बताती हूँ. फोटोफॉस्फोराइलेशन यही देखते हैं. हाँ, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन देखते हैं, हमारा स्टेप जो है. देखो, फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब है, फोटोफॉस्फो इस पे आते हैं, फोटो मतलब लाइट, फॉस्फो मतलब फॉस्फोरस. एक्चुअली में फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा है, फोटोफॉस्फोराइलेशन में एडीपी दैट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में ऐड हो रहा है एक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है इसलिए हमने कहा इसे फोटोफॉस्फोराइलेशन, और इसमें बन गया एटीपी. तो एटीपी एक एसिमिलेटरी पावर है. दूसरा, इसमें एनएडीपी नाम का जो रिड्यूसिंग एजेंट है, एनएडीपी नाम का जो रिड्यूसिंग एजेंट है, उसे क्या मिल रहा है, एच आयन मिल रहा है. कहां से, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से, और ये कन्वर्ट हो जा रहा है NADPH2 में. ठीक है, हेलो, क्लियर है? यस मैम. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम. पक्का? श्योर? यस मैम. Just a minute, I have just to do one thing. Just a minute, huh? There was a problem, so I had to do it. अच्छा, तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा बच्चों, उसमें हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो दो फेजेस में होता है, और इसके जो दोनों फेजेस हैं फोटोसिंथेसिस में, उन दोनों फेजेस को हम लाइट और डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं, है ना? राइट? यस मैम. तो ये रहा लाइट रिएक्शन, ये एक बार लाइट रिएक्शन देखिएगा. लाइट रिएक्शन इट अकर्स इन थायलाकोइड, ग्रेना, स्ट्रोमा, लैमेला. तो पहला स्टेप क्या है, यहां देखते हैं. पहला स्टेप है एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल, सॉरी, एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल. दूसरा है फोटोलिसिस ऑफ वॉटर. तीसरा है इसी वाटर से ऑक्सीजन का निकलना. चौथा है फोटोफॉस्फोराइलेशन. इट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन. दिस वाज, सॉरी, अगेन समथिंग इज हैपनिंग हियर, जस्ट अ मिनट. हाँ, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन. आई होप दैट आज के क्लास के लिए हमने जितना पढ़ा है इट इज मोर देन इनफ. डार्क रिएक्शन को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. इज दैट ओके? Okay, yes, ma'am.